पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है सप्तरथ मंदिर जो आपका है कहां पर स्थित है, जवाब देना है आपका जो आंसर है यहां पर है राइट क्या हो जाएगा इसका जवाब देना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहां पर जुड़ गए हैं, है ना, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। यहां पर जवाब देना है कि सप्तरथ मंदिर जो आपका है कहां पर है, सप्तरथ मंदिर कहां स्थित है। देखिए आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा महाबलीपुरम, मतलब ऑप्शन जो आपका पहला वाला है यहां पर राइट हो जाएगा, महाबलीपुरम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा ए नंबर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम है ये कहां पर स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर कहते हैं ये आपके कहां पर है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, ये आपका गांधीनगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए गांधीनगर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। एक मंदिर आपके कहां पर है अक्षरधाम, अक्षरधाम एक मंदिर आपके दिल्ली में है, अगर दिल्ली वाला ऑप्शन होता तो हम लोग दिल्ली को ही राइट करते, क्या दिल्ली को ही राइट करते दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। बताइए आपसे कह रहा है कि ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, थ्री को ऑप्शन देना है और थ्री को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, कोणार्क जो कि आपकी उड़ीसा में है, यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसके काले रंग होने के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों बताइएगा खजुराहो के जो मंदिर है वो आपके किस राज्य में है, दोस्तों फोर नंबर में बार बार क्वेश्चन पूछा था, हर बार खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिएगा मध्य प्रदेश यहां पर आंसर जो आपका है यहां पर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस नगर में, क्या किस नगर में ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फाइव नंबर की अगर बात करते हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर जी जो आपकी ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती हैं इनकी दरगाह है आपके अजमेर में है, कहां पर है अजमेर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और चिश्ती सिलसिला जो आपके भारत में आया ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के माध्यम से ही चिश्ती संप्रदाय आपका भारत में यहाँ पर उजागर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों बताइएगा कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है, सिक्स नंबर का ऑप्शन देना है। और तिरुपति मंदिर दोस्तों ये चित्तूर जिले में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये पड़ता है आपका तिरुपति मंदिर दोस्तों, है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर आपका है कहाँ पर है। दोस्तों बताइएगा कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है। दोस्तों सेवन नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, दोस्तों ये माउंट आबू में है, कहां पर है माउंट आबू, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में दोस्तों, है ना, ये मंदिर आपके जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन धर्म के लिए ये आपके बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन कि होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। होयसलेश्वर का जो मंदिर आपका है ये कहां पर है। दोस्तों याद रखिए होयसलेश्वर का मंदिर जो आपका है ये आपके कहां पर है, हैलीबिड जो कि ऑप्शन है डी नंबर हैलीबिड इसका आंसर है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य मंदिर या सूर्य देवता का मंदिर है ये किस राज्य में है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि जो सूर्य मंदिर आपका है कोणार्क मंदिर है आपके है कहाँ पर, किस राज्य में है, है ना, तो इसका जवाब हमारे हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। कितने लोग हैं इसका जवाब दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर हैं, और जो नहीं दे सकते हैं वो लोग आंसर यहाँ पर लॉक करिएगा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओडिशा, यहाँ पर आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क का जो काला पैगोंडा है वो किस देवता को समर्पित है। कोणार्क का जो काला पैगोंडा है किस देवता को है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। दोस्तों याद रखिएगा भगवान सूर्य के लिए है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा सूर्य भगवान के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुओं के चार प्रसिद्ध तीर्थ धाम जो आपके हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों देखा जाए हिंदुओं के चार तीर्थ आपके हैं कौन कौन है 11 नंबर में। अब आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका हरिद्वार है, नासिक है, प्रयागराज है और आपका उज्जैन है। दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, यही होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो भी कौन होगा, यहां पर कौन होगा, धाम पूछ लिया गया है और धाम पूछ लिया पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, है ना, द्वारिकापुरी भी आपका रामेश्वरम, याद रखिएगा यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ए वाला आंसर लगा रहा है क्योंकि धाम दिया गया है, वो धाम दिया है तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर दिया गया सुमेलित करना है। अब आपको सुमेलित करना है कि भाई ज्योतिष पीठ जो आपका है ये है कहां पर, ज्योतिष पीठ है वो कहां पर है। दोस्तों ज्योतिष पीठ आपके बद्रीनाथ में है जो कि उत्तराखंड में है,
गोवर्धन पीठ आपके पुरी जो कि उड़ीसा में है, शारदा पीठ आपके द्वारका जो कि गुजरात में है, और श्रृंगेरी पीठ है आपके मैसूर जो कि कर्नाटक में है। मतलब 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है आपका पहला वाला आंसर है, यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध विख्यात मंदिर आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों बताइएगा चूहों का जो मंदिर है ये आपके कहां पर है, चूहों का मंदिर जो आपका है यहां पर बताइए क्या हो जाएगा चूहों का मंदिर। दोस्तों 13 नंबर का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोस्तों करणी माता का मंदिर है राजस्थान में है, यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। कहा जाता है अगर कोई भी चूहा अगर है सफेद चूहा जिसे अगर पैर में पड़ जाता है सबसे शुभ माना जाता है, यहाँ चूहों का मंदिर है, बहुत ज्यादा चूहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपके कहां पर है। दोस्तों बताइएगा शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये आपके कहां पर है, 14 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए शेख सलीम चिश्ती, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, थोड़ा घुमा के दिया था लेकिन यहाँ पर आंसर आपका यही था, है ना। तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, अगर आप जरूर दे सकते हैं तो बताइएगा, थोड़ा सा अंतर होगा यहाँ पर, बस यहाँ पर देखिए शेख सलीम चिश्ती है, और शेख सलीम चिश्ती जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने यहाँ पर बनवाया था दोस्तों, याद रखिए फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह है, ठीक है। चलिए ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती वो आपके अजमेर में है, शेख सलीम चिश्ती वो आपके फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, दोनों में बस ये अंतर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो आपके कहाँ पर स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो आपका है कहाँ पर है। और ये देखो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं, तभी कहते हैं इस क्लास को आपको जरूर ज्वाइन करना है, डेली क्लास लीजिए, बेहतर तरीके से लीजिए, इसमें हर एक मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और मिक्स क्वेश्चन होने का मतलब ये होता है कि आपका बेहतर तरीके से रिविजन हो जाना है ना, तो यहाँ पर डेली रिविजन करिए और बेहतर तरीके से करिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, दोस्तों याद रखिए अजमेर क्या हो जाएगा, अजमेर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अपोलो सेकंड जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था 21 वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। एक क्वेश्चन इस बार को इससे बनना ही बनना है, इस बार को ये तो क्वेश्चन बनना ही बनना है यहाँ से, आपके उपग्रह से, कृत्रिम उपग्रह से, चांद से, है ना, मंगलयान 3 हो गया, कुछ ना कुछ तो बनना ही बनना है और 100% बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा 1969, क्या 1969 में, याद रखिएगा कि मनुष्य चांद पर उतरा था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम है श्री रंगनाथ मंदिर, है ना, श्री रंगा स्वामी मंदिर, और ये जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो आपके किस राज्य में है दोस्तों, 18 नंबर में। तो दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर दिया गया है और यहां पर जो आपका आंसर है 18 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी है आपके जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में। देखो सूर्य मंदिर होता हम उड़ीसा की बात करते लेकिन यहां पर मार्तंड शब्द जोड़ दिया है और मार्तंड शब्द जोड़ दिया है तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है वो आपके किस धर्म से है, खजुराहो में जो मंदिर है वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपके हिंदू धर्म से और आपके जैन धर्म से भी है, यहां पर आंसर जो आपका है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि बिमल शाह ने बनवाया था यह राजस्थान में आपके हैं और जैन मंदिर भी है जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राजस्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है, दोस्तों बताइएगा कामाख्या मंदिर जो आपका है ये कहाँ पर है, कामाख्या मंदिर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कई नंबर की अगर बात किया जाए तो आप सभी का जवाब यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आ रहा है और आपका जो आंसर है 21 नंबर का वो आपका जवाब डी हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें, तो इसमें तो आंसर ही नहीं दिख रहा भाई, मेघालय, झांसी, बिहार, कानपुर, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। कामाख्या मंदिर आपके असम में है भाई, है ना, याद रखिए कामाख्या मंदिर असम में है, कहाँ पर है, असम में है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर एक इसमें, है ना, गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया कुछ है, तो याद रखिए ये आपके कहाँ पर है, असम में है। दोस्तों आपका असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इतने होशियार हैं, हम जानते हैं कि आप लोग होशियार हैं, आपसे अगर हमसे कोई गलती हो रही है लेकिन आप लोग उसको तुरंत यहाँ पर गौर कर देंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है, अब बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है द्वारिकाधीश मंदिर ये आपके गुजरात में है, कहाँ पर है, ऑप्शन सी गुजरात इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, दोस्तों यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर देखा जाए तो आपका 23 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, दोस्तों विमल मंदिर है, तेजपाल है, विश्वनाथ दिया है और वास्तुपाल, दोस्तों पाल तो सभी मिल रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर तो भैया वाराणसी में है,
तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्री वर्धराजन का मंदिर जो कि कांचीपुरम है एक किस देवता को समर्पित है। श्री वर्धराजन का मंदिर जिसे हम लोग कांचीपुरम में है दोस्तों, ये किस देवता को समर्पित है। दोस्तों 24 नंबर का जो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा विष्णु देवता को है, ऑप्शन बी ये विष्णु देवता को समर्पित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भोजशाला मंदिर किस अधिष्ठात्री देवी है, मतलब भोजशाला मंदिर में कौन सी देवी है, कौन सी देवी की पूजा होती है यहां पर। तो दोस्तों ये आपके हैं कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भगवती सरस्वती, कौन, भगवती सरस्वती, यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो कि सूर्य देव को समर्पित है ये कहां पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार बताया है ना, बहुत बार बताया है कि यहां पर जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी या उज्जैन, है तो कहीं काफी जगह है ना, याद रखिए चित्रगुप्त के जो मंदिर है वो काफी जगह है, आप कानपुर में ढूंढेंगे तो कानपुर में मिल जाएंगे, ठीक है, आप पुरी में ढूंढेंगे तो पुरी मिल जाएंगे, आप उज्जैन में ढूंढेंगे तो यहां मिल जाएंगे, मथुरा में ढूंढेंगे तो मथुरा मिल जाएंगे, लेकिन हम इसका आंसर सही लगाएं तो क्या लगाएं, आपको सही लगाना है कांचीपुरम वाला, आपको राइट कराना है, ऑप्शन यहां पर लगाएंगे क्या, यहां पर राइट आंसर लगाएंगे क्या, ये नंबर है राइट करेंगे, क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मंदिर ब्रह्मा मंदिर भी कहते हैं और इस मंदिर को पशुओं के मेला का मंदिर भी कहते हैं, तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर यहां पर देखा पशुओं का मेला, और जैसे ही पशुओं का मेला आया तो आपका आंसर भी सामने आ गया, यहां पर पुष्कर मेला जो ऑप्शन है ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओंकारवाट मंदिर जो स्थापित है ना, ये मूर्तियां ये आपकी किसकी है, ओंकारवाट मंदिर जो आपका सबसे बड़ा मंदिर आपका है कंबोडिया में, कौन से भगवान की यहां पर है 28 नंबर में। दोस्तों 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदू देवी देवताओं में है जिसमें से भगवान विष्णु की वहां पर प्रतिज्ञा आपकी ज्यादा है, भगवान विष्णु की। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो आपका है वो किस राज्य में है दोस्तों 29 नंबर। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर आपके कहां पर है, आपके उड़ीसा में है, कहां पर है, उड़ीसा में, जो कि हर साल दोस्तों यहां पर मंदिर होता है, लगता है मेला, यहां पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, जगन्नाथ की यात्रा भी निकाली जाती है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है ये कहां पर स्थित है। दोस्तों 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपकी मूर्तियां हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की आकृतियां हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और सब में क्या है थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा, इसका आंसर लगाएंगे यहां पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगल ऑफ इंडिया मतलब भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और फरवरी 2022 में इनका निधन भी हो गया है। तो बताइए बताइए कि फरवरी 2022 में जो निधन हुआ है वो किसका हुआ है। तो दोस्तों यहां पर देखिए स्वर कोकिला आपकी लता मंगेशकर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। लता मंगेशकर एक चौक भी बनाया गया है आपके कहां पर, आपके अयोध्या में बनाया गया है, ठीक है, यहां पर आंसर आपका ये बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। दोस्तों बताइएगा 32 नंबर में, तो दोस्तों 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी ने है जो कि इसके लेखक हैं मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेटर ने अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था। दोस्तों दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका है यहां पर उसी हो जाएगा, ये आपके रहमान जी हैं, एआर रहमान को ये पुरस्कार दोस्तों मिला था जो कि ऑस्कर 2009 में। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में देखा जाए तो यहां पर आंसर जो आपका बनेगा याद रखिएगा बूंदी, क्या हो जाएगा भाई, ये बूंदी महोत्सव है, बूंदी त्यौहार है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर ए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुदासी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। मतलब देखा जाए आदिवासी नृत्य है, इसका नाम है गुदासी, ठीक है, गुसाड़ी नाम है, गुसाड़ी, तो इसके लिए 2021 में पद्म श्री दिया गया, 2021 का पद्म श्री इनको दिया गया। तो दोस्तों बताइएगा किसे दिया गया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके ऑप्शन सी कनक राजू, इनका नाम है ऑप्शन सी हो जाएगा, कनक राजू इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला, पाल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। चलिए भाई यहां पर जो आप दीजिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा,
तो ये कहा जाता है आपके मदर टेरेसा को, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मदर टेरेसा को कहा जाता है आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा किन के उपनाम से जाना जाता है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा किन के नाम से जाना जाता है, टू को ऑप्शन देना है। तो टू को ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके कपिल देव को जाना जाता है, याद रखिए किसे, आपके कपिल देव का उपनाम आपका याद रखिए, ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर आपके रहे, इनका पूरा नाम क्या है, कपिल देव रामलाल निखंज, क्या नाम है इनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था जो 1983 है, तो 1983 में क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जिताने में मदद इन्होंने किया था, इनकी कप्तानी उसी समय थी, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं, बताइए किस नेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं, यहां पर जो आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए थ्री का ऑप्शन हो जाएगा आपके डी नंबर, ये है आपके अमिताभ बच्चन, नोट कर लीजिएगा भाई, यहां पर थ्री का जो ऑप्शन है डी नंबर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को जाना जाता है, याद रखिए एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये क्या है, तो भैया स्टैटिक जीके है, और स्टैटिक जीके में आपको कोई सिलेबस नहीं होता है, उसमें बोल दिया था स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके मतलब होता है हर एक क्षेत्रों से आपके क्वेश्चन आना चाहिए, जो कि जनरली हर एक इंसान को याद होना चाहिए, तो स्टैटिक जीके का मतलब यह होता है, ठीक है। यह मत सोचिए कि स्पेशल दिया जाए या अभिनेता यहां पर लिखा जाए सिलेबस में, तो अभिनेता नहीं है, स्टैटिक जीके पढ़ा जाता है। सामान्य ज्ञान देखिए यहां पर दिया गया है आपसे, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, यहां पर क्या हो जाएगा फोर नंबर में, तो भैया ये जो आपका है मुंबई है ना, मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये क्यों कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है अंग्रेजों ने इस द्वीप को अपना प्रमुख बंदरगाह बनाया था, और इस द्वीप की खूबियों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों को आकर्षित भी किया था, है ना, और इसे बॉम्बे आईलैंड भी कहा जाता है, क्या इसे बॉम्बे आईलैंड भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, ठीक है। यहां पर देखो दिया गया है आपसे किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है, चलिए भाई फाइव को ऑप्शन देना है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई ये जो आपका नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड है यहां का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका क्या है, शेर है, याद रखिए शेर है। और यहां पर याद रखिए जो आपका नॉर्वे, नॉर्वे का भी प्रतीक चिन्ह जो आपका है वो आपका भी क्या है, शेर है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को तो आप लोग जानते होंगे चांद तारा चमेली, तुर्की का भी चांद तारा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे यहां पर के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है, तो देखो भाई यहाँ पर जो के आर नारायण है, तो के आर नारायण की जो समाधि स्थल है वो आपका नाम हो जाएगा उदय भूमि, क्या हो जाएगा उदय भूमि, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, उदय भूमि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, और आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछली बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम टू सेम पूछा गया था, तो यहां पर जो आपका आंसर राइट बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, सेवन नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, विलियम बेंटिंक के द्वारा, किसके द्वारा भाई, विलियम बेंटिंक, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहां पर दिया गया है, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष किया था, अर्थात किस वर्ष धारण किया था भारत की महारानी, चलिए इस क्वेश्चन में लगभग देखा जाए काफी लोगों के जवाब जो हैं वो आपके गलत आने होंगे, लगभग 80% होंगे जिनके जो जवाब हैं वो लगभग आपके गलत होंगे, तो देखते हैं क्या आप लोगों का सही जवाब यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए भाई यहाँ पर आपका जो लोग दे रहे हैं ए नंबर, भैया यहाँ पर ए नंबर जो आपका दिया है 1858, उसमें ये नहीं कहा गया था कि नहीं महारानी की उपाधि दिया था, है ना, महारानी की उपाधि नहीं दिया था, ये दिया था 1870 में, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष किया था, तो 1870 में, जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना 1858, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने एक समाचार पत्र सुनाया था, किसको, महारानी को सुनाया था, ये आपका होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है महारानी की उपाधि, तो ये है आपके 1877 बनेगा, नोट कर लीजिए, इसमें 80 से 90% लोग गलती करके आएंगे 100%, है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर नोट करिए बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके ऐसी, जो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइए, है ना, स्टैटिक जीके में सब कवर हो जाता है, कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इतना फोकस नहीं होता है। यहाँ पर ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है, बताइए भाई ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है, पृष्ठभूमि पूछा है भाई, पृष्ठभूमि मतलब यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये हो गया पृष्ठभूमि, तो आपका नाइन का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा, सफेद होता है। फिर उसके बाद उसमें क्या होते हैं, पांच आपके रिंग हो जाते हैं ना, पांच रिंग हो जाते हैं, वो रिंग कौन होते हैं, नीला पीला काला हरा और लाल, है ना, नीला पीला काला हरा और लाल, ये रिंग होते हैं जो आपस में पांच रिंग जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है आइजल ऑफ पर्ल कहाँ पर है, आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है, दस का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ये आपके बहरीन में है,
ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आइजल आप पर्ल जो है ये बहरीन में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक आपके कौन है? बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो द गार्डनर पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है, यहाँ पर जवाब देना 11 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रवि ये हमने आपको बताया था गार्डनर कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन से नंबर के थे? चलिए बताइएगा, आप पहले नंबर के थे या 10वें नंबर के थे, 20वें नंबर के थे या 16वें नंबर के थे? और इस क्वेश्चन में भी लगभग 50% से ज्यादा लोगों के जवाब यहाँ पर गलत आएंगे, यहाँ पर लिख कर रख लीजिए, 50% लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें ये आपके 16वें नंबर के थे। कौन नंबर के? 16वें नंबर के थे। लगभग देखो 100% लोगों के जवाब यहाँ पर गलत हैं। अब्राहम लिंकन जो आपके हैं ये आपके 16वें नंबर के थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहला नंबर लगा रहे हैं तो आपको बता दें जॉर्ज वाशिंगटन के नाम के कोई व्यक्ति थे कि नहीं भी थे? जॉर्ज वाशिंगटन नाम के कोई व्यक्ति आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जॉर्ज वाशिंगटन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो भैया जो पहला सोच के दे रहे हैं वो नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। तो पहले जो आप कहते वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है? तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ये सब चीजें कॉमन है, बिल्कुल आना चाहिए। देखो दिया गया है स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन करे, यह कथन जो है वो आपका किसका है? चलिए कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को, और वो चीज सीखने को मिलेगा जो आप लोग भूल गए हैं, ठीक है ना? वो चीज सीखने को मिलेगा जो आप लोग भूल गए हैं, और वही जो एग्जाम में आना है। बताइएगा कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? तो 13 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, याद रखिए मिल्टन ने। किसने? तो ये आपके मिल्टन ने कहा था। आपका जो जवाब है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा ऑप्शन डी में, यहाँ पर देखिए मॉरिस हंट, याद रखिए यहाँ पर प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का जो वास्तुकार था हम आपको लिख दे रहे हैं मॉरिस हंट, ये था मॉरिस हंट था, ठीक है? ऑप्शन में नहीं दिया गया था लेकिन इनमें से कोई नहीं शब्द आपको दिया भी गया है ना, यहाँ पर मॉरिस हंट इनमें से कोई नहीं जो दिया है, तो ऑप्शन लिख लीजिए मॉरिस हंट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? बताइए सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? देखिए 15 का जो ऑप्शन है वो आपके बेल्जियम की है, नोट कर लीजिएगा, या आपके बेल्जियम की आपके ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? 16 का जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, मिखाइल क्लासिनकोव। कौन? मिखाइल क्लासिनकोव किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोगों के नाम सुनोगे AK-47, तो यहाँ पर याद रखिए आपका मिखाइल क्लासिनकोव ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? आपको हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग मायूस मत होना कि नहीं ये हमको नहीं आया, सर पढ़ा रहे हैं और हमको नहीं आता है तो हम क्लास ना लें, मायूस हो जाए कि अरे यार ये तो हम एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, ये एग्जाम के समय वाले पढ़ने वाली चीज नहीं होती है। ये जिसको इसको जितना आप लोग रट सको, पढ़ते समय, लिखते समय, सोते समय, खाते समय, जितना आप लोग इस चीजों को पढ़ लोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। एग्जाम के समय इसकी तैयारी नहीं होती है ना, उस समय आप लोग टॉपिक वाइज या किसी समस्या होती तो होती है, तो गलती होती है, तो मायूस मत होइए क्योंकि हम आपको रिवीजन दोबारा से कराएंगे, दोबारा जब कराएंगे तो आपको यही चीज आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन था भाई? 17 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या बनेगा? राजा राम मोहन राय बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में डाक दिवस पूछा गया है, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 9 अक्टूबर को। कितना? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है जो आपका डाक दिवस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? यहाँ पर बताइए कि राष्ट्रीय पशु के रूप में यहाँ पर बताइए बाघ को जो स्वीकार किया गया ये कब स्वीकार किया गया था साथियों? यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी आपके नवंबर 1972 में यहाँ पर पशु को, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? बताइए भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम आपको बताना है। यहाँ देखिए भी इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर अप्सरा, है ना? क्या है भाई यहाँ पर अप्सरा जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा अप्सरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन अभी आपके बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बीएड एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया था सेम टू सेम, है ना? यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है?
विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है 21 नंबर में, तो ऑप्शन जगह आपका बी, ये जो आपकी है आईडीए अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। आईएमएफ मत लगाइएगा क्योंकि आप लोग ना आईएमएफ लगा देते हो भाई, है ना, ये आपकी गलती होती है, आप बहुत जल्दी से आईएमएफ में पहुंच जाते हो कि विश्व बैंक की उदार ऋण। तो यहाँ पर याद रखिए विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की बोलते हैं आईडीए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है। ऑप्शन नोट करिएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। जिनसे गलती हो रही है उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और वीडियो भाई पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है ना कि बहुत जानदार तैयारी हमारी इस चैनल से होगी और हमारे बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे, तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन आ गया है एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है 22 नंबर में, तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके क्रिकेट से संबंधित है। देखिए जवाब लगभग सभी का आ गया है आपके क्रिकेट से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, कहां पर है लुसाने जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होते हैं, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी, देखिए 24 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर 24 का ऑप्शन सी आपके साथ होना चाहिए, कितने 7 खिलाड़ी होते हैं याद रखिएगा, है ना। वो ऐसे देखा जाए कि 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व में होते हैं। क्या अगर मान लो कभी 7 ना आए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से 7 जो होते हैं वो कोर्ट में खेल रहे होते हैं और इसके बाद जो 5 होते हैं रिजर्व में रखे रहते हैं, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वह ये रिजर्व वाले होते हैं उनको भेज दिया जाता है ना। तो आपको बताना कितना है, 7 ही बताना है, 12 नहीं बताना है, हम आपके नॉलेज के लिए बता दिए हैं। जैसे आपके क्रिकेट टीम में भी क्या 11 प्लेयर होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ लोग साथ में जाते हैं, जाके किसी को दिक्कत हो गई तो वो खेलने लगता है ना, तो आपने यहाँ पर यही बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया है तैराकी की किस स्पर्धा में तैराकी गति जो होती है सर्वाधिक होती है, चलिए 25 नंबर में तैराकी की किस स्पर्धा में तैराकी गति सर्वाधिक होती है, तो ये होती है फ्री स्टाइल, क्या होती है फ्री स्टाइल, यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा फ्री स्टाइल, इसको बोलेंगे आपका जवाब बनेगा ए नंबर फ्री स्टाइल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लू हाउस किस देश में राष्ट्रपति का निवास है, यहां पर बताइएगा कि ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 26 का ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया, क्या हो जाएगा दक्षिण कोरिया है याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। व्हाइट हाउस होता तो भाई क्या जवाब देते, आप बताइए अगर यहाँ पर ब्लू हाउस है तो भैया आपका दक्षिण कोरिया है, लेकिन यहाँ पर अगर व्हाइट हाउस होता है तो आप लोग बोलते हैं भैया अमेरिका में व्हाइट हाउस है। आगे बताइए क्वेश्चन है राइटर्स न्यूज एजेंसी है, ये बताइए राइटर्स न्यूज एजेंसी है, तो ये जो न्यूज एजेंसी है वो किस देश की समाचार एजेंसी है राइटर्स, यहाँ पर 27 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 27 को ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन है, किसकी है तो ये ब्रिटेन की ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, देखिए आज आपको कल वाला जो टेस्ट पेपर था वो बिल्कुल सरल था है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक पेपर से अगर 10 क्वेश्चन आ गए या कोई सरल क्वेश्चन आ गया तो वो भी एक नंबर की ही वैल्यू रखता है, हमारा मतलब है कि चाहे सरल हो चाहे कठिन हो आयोग उसमें एक नंबर देगा ही देगा है ना, और रिवीजन होना जरूरी है चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। तो वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, यहाँ पर 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका सी नंबर है अंकटाक के द्वारा, किसके द्वारा अंकटाक के द्वारा होता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसे कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रकवि मैत्री सेन गुप्त की एक अमर कृति नायिका है उर्मिला वह वर्णित है, ये उर्मिला जो आपके किसमें वर्णित मिलेंगी भाई, उर्मिला है आपके साकेत में, किसमें साकेत महाकाव्य में लेंगी, यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर साकेत में, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका डी नंबर साकेत में। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता इनमें से कौन थे, बताइए यहाँ पर बताना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, तो यहाँ पर देखिए जो आपके मलयालम साहित्य के थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा मलयालम साहित्य के जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वींस वेरी रूल किस देश के खेल से संबंधित है, कह रहा है क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंधित है भाई, किस खेल से पूछा गया है, तो क्वींस वेरी रूल ये जो आपके संबंधित है नोट करिएगा यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा मुक्केबाजी से है, किसे हैं मुक्केबाजी से, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है, इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है 32 नंबर में, 32 का ऑप्शन सी आपके घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए घुड़दौड़ के लिए। जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं हमने बता दिया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अपनी नोट्स बना ले,
क्योंकि स्टैटिक जीके की जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये खत्म हो जाएगा, और एक बार नोट्स बना लोगे तो ये एक बार में रट भी जाएगा, दो तीन दिन में एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये चीजें रट जाएंगे। ऐसे ये चीजें रटेंगी नहीं, याद रखिएगा, कोई हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है कि कोई क्रम होता है, कोई सीरीज होता है, कोई ट्रिक होती है, इसकी स्टैटिक जीके की कोई ट्रिक आपकी नहीं है, इनमें कोई लिंक नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ये घुड़दौर है, अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास, तो हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास यहाँ पर 33 में आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भी। चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिए, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है, तो देखो भाई हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास आप लोग जवाब देंगे मैला आंचल, लेकिन ये नहीं पूछा है कि आंचलिक उपन्यास क्या है, ये नहीं पूछा है कि आंचलिक उपन्यास क्या है, आपसे पूछा है प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा है भाई। तो यहाँ पर जो 33 को ऑप्शन हो जाएगा देहाती दुनिया, देहाती दुनिया ये प्रथम आंचलिक है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो यहाँ पर देखिए आपके 9 जनवरी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है, तो भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट यहाँ पर 35 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा भाई 35 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो बॉम्बे सैपर्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, गोरखा राइफल्स, जो आपका गोरखा राइफल्स अगर ऑप्शन में आता है तो आप लोग बताएंगे कि भारत का थलसेना का सबसे पुराना रेजिमेंट जो आपका है वो गोरखा राइफल्स है, गोरखा राइफल्स हो जाएगा, जो कि 1815 में बना था, वो 1815 में बना था, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आप बॉम्बे करिए, वैसे आपको गोरखा राइफल्स बताना है 1815। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है रावण वध किसकी कृति है, रावण वध किसकी कृति है 36 में, ऑप्शन आपका बी नंबर है, वत्स भट्टी की है, वत्स भट्टी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, 37 को ऑप्शन देखिए जो आपका लक्षद्वीप है, याद रखिए लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है, नोट करिएगा ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप को कहा जाता है जो कि आपके कयाल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, चलिए 38 को ऑप्शन दीजिए थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बहत, क्या है भाई बहत, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कौन सा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्रिकेट का ब्रेब्राउन स्टेडियम कहाँ पर है, क्रिकेट का ब्रेब्राउन स्टेडियम कहाँ पर है भाई, यहाँ पर जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो बताइए भाई यहाँ पर क्रिकेट का जो ब्रेब्राउन आपका स्टेडियम है वो आपके कहाँ पर मिलेगा देखने को आपको, तो 39 का ऑप्शन जो बनेगा नोट करिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा मुंबई, जो कि आपके भारत में है, मुंबई जो कि आपके भारत में है, ब्रेब्राउन स्टेडियम ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत भारती सम्मान निम्नांकित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए है 40 नंबर में भाई, ऑप्शन हो जाएगा साहित्य सृजन और हिंदी के लिए, मतलब ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा साहित्य सृजन एवं हिंदी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं आपसे पूछा है, और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ याद रखिए 6 भाषाओं को राजभाषा मिला है अर्थात स्वीकृति मिली है, तो इनमें से जो आपकी अंग्रेजी फ्रेंच चीनी रूसी अरबी और स्पेनिश जो कि जवाब आ रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इनमें से केवल 2 ही भाषा है जिनको एक संचालक भाषा माना जाता है वो है आपकी कौन सी, अंग्रेजी और एक आपके फ्रांसीसी, क्या है फ्रांसीसी, इन भाषाओं से क्या होता है जो लेखा जोखा होता है कार्य करने वाला काम वो इन्हीं 2 भाषाओं से होते हैं, लेकिन बोलने वगैरह में आपकी 6 भाषाएं आपकी चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपकी कौन सी है, यहाँ पर 42 का ऑप्शन देना है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिको की खाड़ी, क्या हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी है, काजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी है 43 में, ये लिखा है आपके सर सैयद अहमद खान ने, किसने लिखा है सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रणजी ट्रॉफी और आगा खां कब किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी और आगा खां जो संबंधित है भाई किससे संबंधित है, किसमें दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये क्रिकेट अर्थात रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से और आगा खां कब संबंध है आपके हॉकी से है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम यह किसने कहा था, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम यह कहा किसने था, देखिए 45 नंबर में यह कहा था आपके किसने, तो ऑप्शन हो जाएगा रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग,
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर है। ऐसे याद रखिएगा, जो कपलिंग होता है दो चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, जो कपलिंग होता है जोड़ने का, पूरा पूरा पश्चिम पश्चिम पूरा पूरा में जोड़ रहे हैं ऐसे समझ लीजिएगा, तो रूट कपलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत का पहला राज्य जहाँ फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ है, भारत का पहला राज्य जहाँ फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ यहाँ पर 46 दिसंबर में, तो भैया 46 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपके त्रिपुरा में हुए थे, कहाँ पर आपके त्रिपुरा में हुए थे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से है भाई, तो ये आपके दी जाती है किसमें, आपके क्रिकेट से संबंधित है, किसे आपके देवधर जो ट्रॉफी है वो किससे है, आपके क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है, पुगलिस्ट कहा जाता है, हमने यहाँ पर देखो 47 में क्या लगाया है, 47 में क्रिकेट ही लगाया है ना भाई, हाँ ठीक है भाई, सही है सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कंफ्यूज हो गए थे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है, तो 48 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये मुक्केबाजी को है ना, याद रखिए किस खिलाड़ी को पुगलिस्ट, तो आपके मुक्केबाजी वाला जो खिलाड़ी होता है उसे पुगलिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिया जाता है किसमें दिया जाता है भाई, स्वर्ण सिनेमा के मामले में अर्थात सिनेमा साहित्य में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इग्नू का मुख्यालय कहां पर है, इग्नू का मुख्यालय कहां पर है, तो चलिए इग्नू का मुख्यालय यहां पर आपसे पूछा गया है, और अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, 50 नंबर में जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके कहां पर, नई दिल्ली में है ना, इग्नू मतलब होता है, इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOU इसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है ना, जो कि भारतीय संसदीय अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, और इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली के जो मैदान गढ़ी है वहां पर स्थापित हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी नंबर, यहाँ पर नई दिल्ली आपका आंसर राइट हो गया। तो इस प्रकार से ये टेस्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखो हमने बता दिया है कि जो आपकी PDF वगैरह है ये भी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आप लोगों की और अच्छे से डिवीजन हो जाए। आप लोग ये नहीं कह पाओ कि नहीं सर इस बार को हमारा PET नहीं निकल पाया है, आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से PET निकालना है।